नमस्कार, राज्य सभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 17 तारीख को 56 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं सूबे में शिकायतों के अंबार के बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस थमा दिया है। इसके साथ ही आपको राज्य के दो खास चेहरों से भी आज रूबरू करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश की, चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। रविवार को 56 सीटों के लिए मतदान। निर्वाचन आयोग का चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल दौरा। ममता बनर्जी को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। पार्टियों ने उठाया निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतने के लिए चुनाव लड़ने का दावा। तो कांग्रेस का बीजेपी पर टीएमसी से सांठगांठ का आरोप। तमिलनाडु में डीएमडीके पीडब्ल्यूएफ में सीटों पर सहमति। 104 पर डीएमडीके तो 130 पर लड़ेगी पीडब्ल्यूएफ। बीजेपी ने भी जारी की 57 प्रत्याशियों की सूची। और आइए शुरुआत करते पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण के लिए 17 अप्रैल यानी रविवार को जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मालदा समेत 56 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दो हिस्सों में अब तक पहले दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है। 6 चरणों में चुनाव होना तय है। 5 मई को आखिरी दौर के लिए मतदान होगा, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस जहां एक तरफ सत्ता वापसी की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस सीपीएम मिलकर ममता की सत्ता में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं तीसरे छोर पर बीजेपी खड़ी है, जो अपनी जमीन तलाशने का हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल में शिकायतों के अंबार के बीच चुनाव आयोग ने प्रदेश का दौरा किया। तो आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस थमा दिया। इस पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनके चुनाव के दौरान आसनसोल को जिला बनाने की घोषणा करने के बारे में पूछा गया है। द कमीशन हैज इशूड अ शो कॉज। इट वाज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कमीशन दैट सम काइंड ऑफ प्रॉमिस वाज मेड इन आसन फॉर क्रिएशन ऑफ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन दैट बेसिस देयर इज अ डिटेल्ड शो कॉज नोटिस व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है और इसका जवाब जनता देगी। धारा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का लगातार उन्होंने उल्लंघन किया है, तो इसलिए वो सब मामले भी है, उसके ऊपर जवाब भी मांगना चाहिए था चुनाव आयोग का। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस और प्रशासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। कई दलों ने राज्य के निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग की। साथ ही साथ वहां पे जो 30 लिस्ट जो हम लोगों ने सीईओ को कल दी थी, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है एंड वी हैव रिक्वेस्टेड इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोट लिया है। अपनार मुख कलंकित करेछे एई राज्येर प्रशासन, एई राज्येर सीईओ ऑफिस, डीएमएसपी एंड रूलिंग टीएमसी पार्टी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाकी दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। द कमीशन हैज डिप्लॉयड क्लोज टू 800 कंपनीज ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेज इन द इलेक्शन प्रोसेस। ऑल पोलिंग लोकेशंस will be manned by central police forces. 1500 CPF mobiles, 1500 central police forces mobiles will be deployed. पश्चिम बंगाल में बीजेपी, वाम दलों और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मतदान में गड़बड़ी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और मतदान केंद्र पर कब्जे का आरोप लगाया है।
और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस के स्टार प्रचारक बाईचुंग भूटिया रोजाना कई चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी बंगाल के इलाकों में भूटिया ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का दावा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करेगी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया आजकल राजनीति के मैदान में खेल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों में से एक भूटिया धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं। वो खुद सिलीगुड़ी सीट पर सीपीएम के दिग्गज नेता अशोक भट्टाचार्य के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भूटिया पर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि बाकी सीटों पर भी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में बाईचुंग भूटिया रोजाना कई चुनावी जनसभाओं में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन भूटिया को अपनी सीट पर भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। राजनीति में आने के बाद वो न सिर्फ रोजगार और गरीबी की बात कर रहे हैं बल्कि खेल को भी मुद्दा बनाने से नहीं चूक रहे। स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मेरा इलेक्शन होने के बाद भी मेरा स्पोर्ट्स लेके बहुत प्रायोरिटी होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी ऐसा लोकेशन है जहाँ बहुत नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे है। सिलीगुड़ी सिर्फ एक कमर्शियल सिटी अभी बोल के जाना जाता है, बट आई थिंक बहुत पोटेंशियल है कि एक स्पोर्ट्स सिटी होने के लिए भी। बाईचुंग के लिए उत्तरी बंगाल में इस बार चुनौती कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में उन्हें दार्जिलिंग सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा वो इस चुनाव की अहमियत समझ रहे हैं। अगर सिलीगुड़ी में जीत के साथ वो पार्टी को उत्तरी बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर पाते हैं तो भूटिया के लिए ये बड़ी राजनीतिक जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल चुनाव में सिलीगुड़ी सीट पर सबकी नजरें हैं। यहां से मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी और तृणमूल के उम्मीदवार बाईचुंग भूटिया मैदान में हैं। सीपीएम के अशोक भट्टाचार्य उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला सिलीगुड़ी कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। यहाँ की संस्कृति काफी अलग है, यहाँ गैर बांग्ला भाषी लोगों की तादाद काफी बड़ी है। यही कारण है कि यहाँ की सियासत भी प्रदेश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। ये इलाका वाम दलों का गढ़ रहा है, लेकिन 2011 में टीएमसी ने यहाँ से जीत हासिल की थी और इस बार यहाँ कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। सीपीएम की ओर से दिग्गज नेता अशोक भट्टाचार्य हैं, तो टीएमसी की ओर से मशहूर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया। दोनों ही अपना पिछला चुनाव हार चुके हैं। अशोक भट्टाचार्य अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते हैं और बाईचुंग भूटिया लोकप्रियता के इम्तिहान में खरा उतरना चाहते हैं। फुटबॉलर रह चुका हूँ, लाइफ में बहुत बार हारा हूँ, बहुत बार जीता हूँ, तो आगे का देखना है, आगे का हर समय मैं देखता हूँ। तो डेफिनेटली क्यों, जब एक मैदान में उतरा है तो मैं खेल के ही रहूंगा और डेफिनेटली जितना हो सके कोशिश करके जीतने का इरादा रहेगा और जरूर सफलता मिलेगा। भूटिया के लिए ये आसान नहीं है। उनके सामने सीपीएम के दिग्गज नेता अशोक भट्टाचार्य खड़े हैं, जो 2011 में हारने से पहले यहाँ 20 साल तक विधायक रहे। 2015 में नगर निगम चुनाव जीत वो मेयर बने तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। आई वॉज एंड आई एम स्टिल easily accessible, easy approachable and easy available. Whatever developmental work you are seeing in Siliguri, that was done during my period. People knows it very well. 2015 में निकाय चुनाव में टीएमसी ने प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन सिलीगुड़ी में लेफ्ट का पल्ला भारी रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों पक्षों को नए सिरे से जोर लगाना पड़ रहा है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं से सूबे के तमाम सियासी मसलों पर खास बातचीत की। आइए चलते विशाल दहिया के पास। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद प्रदीप भट्टाचार्य जी। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। राज्यसभा टीवी को धन्यवाद। एक जो सबसे पहला मुद्दा जो सामने उठकर आता है और जो मैं इस वक्त जानना चाहता हूं, सभी लोग जानना चाहते होंगे कि इस चुनाव में
आपने वाम दलों के साथ गठबंधन किया है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों किया गया। देखिए, ये जो सीट शेयरिंग हुआ, ये सीट शेयरिंग ये कोई आर्टिफिशियल मेथड में हुआ नहीं। आम जनता ने अपना मन से ये चीज बना लिया, ये चीज मट्टी से तैयार हुआ। एक दिन राज्यसभा में हम पास कर रहा है सीतारामन येचुरी जी का साइड, ही वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट बेंच, तो हम बोला येचुरी जी आपका साथ थोड़ा बात है, तो चलिए बोले ठीक है बात करेंगे। तो हम लोग बाहर आया सेंट्रल हॉल में बात करके बात स्टार्ट किया, तो हमने बोला येचुरी जी इसे चलेगा कैसे, बंगाल तो पूरा बर्बाद होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं करे तो फ्यूचर जनरेशन हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करना है, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में गठबंधन होना चाहिए, ये कैसा होगा। और हाँ, सही बात ही है, ये होना तो बहुत ट्रबल है, इसे करो बोलने तो होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एनिमिटी है यहाँ पर। ये एनिमिटी के लिए ही हम लोग 2011 में फाइट किया, और लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा जो वर्कर्स लोग का उस संपर्क अच्छा है नहीं, तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो भी एकमत हुआ, हम भी एकमत हुआ, सहमत हुआ, जो ये नहीं होगा तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया हम लोग ये करेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, टैसिड सपोर्ट हो सकता है, सीट शेयरिंग होता है, आपने और हमने जो वर्ड यूज करता है गठबंधन, गठबंधन तो होगा नहीं, गठबंधन नहीं होना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सीट शेयरिंग करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आपने पिछले चुनाव में टीएमसी के साथ की मदद की थी, आपकी मदद के चलते टीएमसी सत्ता पाई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, और अब इस वक्त आप उनके खिलाफ वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अब ममता बनर्जी की तरफ से आपका जो ये अलायंस है, जो ये गठबंधन है, इसको अनहोली अलायंस करार दिया गया है। लुक, देखिए ये अनहोली है नहीं, हम पहले ही आपको बोला ये आम जनता का राय है, ये हमारा राय है, डिजायर ऑफ द कॉमन पीपल। पहले जो 2011 में हम लोग तो गठबंधन किया ममता जी के साथ, तो हमारा थोड़ा चार पांच चीज था, मुद्दा था, एक डेमोक्रेसी बंगाल में एस्टेब्लिश करना जरूरी है, इंडस्ट्री लेके आना जरूरी है, वीमेन एट्रोसिटीज पूरा बंद करना जरूरी है, और सबसे ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा ये स्टेट में ज्यादा से ज्यादा है, अभी 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, ये लोग को थोड़ा काम देना पड़ेगा। तो 5 साल, लेकिन 5 साल में ममता जी कुछ नहीं किया। एक और मुद्दा जिसे आपकी पार्टी के बड़े नेता उठा रहे हैं लगातार, अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अपनी जो जनसभाएं की उनमें सीधा हमला किया एक ही सांस में ममता बनर्जी और भाजपा के ऊपर, और एक आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ एक जिसे कहा जाए कि अनकहा समझौता एक किसी तरह का है, तो किस किस बेसिस पे आप वो कह रहे हैं? एकदम पूरा सही बात ही नहीं आपने किया, सही बात ही किया, क्योंकि बंगाल में दो चीज होता है, एक तो जो एंटी पीपुल एक्टिविटी जॉब होता है बीजेपी भाजपा ने उसको क्रिटिसाइज करता है, ये सही बात ही है, वो क्रिटिसाइज करता है, मोदी जी खुद आके उनको फ्रॉड गवर्नमेंट हुआ ऐसा वैसा बात नहीं किया, लेकिन जब हम लोग पूछता है व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, वो भी चुप हो जाता है, कोई ने कुछ नहीं करता है। लेकिन राज्यसभा में मजा क्या होता है, जीएसटी बिल हम लोग ने इसके खिलाफ का लिए शोर उठाया, हम लोग ने स्लोगन उठाया, हम लोग ने पूरा बोल दिया गया हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पहले बोलता है हम सपोर्ट कर देंगे, तो राज्यसभा में उल्टा होता है, यहां में गाली पड़ता है मोदी जी ने, ममता ने गाली पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, व्हाई? इसमें थोड़ा सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो
तो ये कैसे होता है? अभी आप बोलिए इतना काम चलता रहे बंगाल में, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, इतना वुमेन एट्रोसिटीज हुआ, सेंट्रल से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम सेक्रेटरी है कभी विजिट किया, क्वेश्चन किया? हमने होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, हमने बहुत बार ने पूछा है ये क्या होता है, लेकिन किसी को भेजा ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है बंगाल में तुम जो कुछ करना कर लो। एक और अहम मुद्दा इस चुनाव में जो उभर के सामने आ रहा है वो है करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। कई एक स्टिंग ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में आया सामने, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता थे जिनको दिखाया गया अनड्यू फेवर लेते हुए, और लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उसे डिफेंड किया है, कहा उसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया है। बंगाल में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था, कभी नहीं था। आप सुन लीजिए, हमारा पास हमारा हमने एमपी हो अपने हमारा घर देखा है, वो जो हमने जहां पर रहता है वो भी वो देखा है। बंगाल में यही कल्चर है, लेकिन ममता जी का राज जब तक स्टार्ट हो गया बंगाल में भ्रष्टाचार घुस गया। स्टिंग ऑपरेशन में एमपी लोग ने रुपया देता है, हम लोग क्या बोला? जब ममता जी आपने बोलता है आपने जेन्युइन लेडी है, जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, अब जेन्युइन आए तो जेन्युइन आपको प्रूफ करिए, अब जेन्युइन आए, अब सीबीआई को दे दीजिए इसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। दूसरा है वो जो हमारा पुल ने गिर गया, 30 आदमी ने निधन हो गया, एक दिन के लिए ममता जी बोला ना आई एम सॉरी फॉर दैट इंसिडेंट, और इसको क्यों हुआ अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सवाल किया वो इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कुछ निकालेगा नहीं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, वो ये कि चुनाव के माहौल में हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन इस चुनाव में आपकी और वामपंथी दलों का जो गठबंधन है उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया गया है। राज्य में जो चुनाव आयोग है उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी एफिकेसी पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो वो किस बेसिस पे आप लोग कर? वो बेसिस ऐसे ही है, आपको तो मालूम है जो इलेक्शन कमीशन को अपना कोई अपरेटर्स है नहीं, वो काम कराना वाला जो चीज आदमी है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, एसडीओ लेवल जो सब डिविजन लेवल ऑफिसर लोग है और वर्कर्स लोग है वही तो काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर में और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसके ऊपर में थोड़ा मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर यहाँ पर है कलकत्ता में कुछ नहीं करता है, टिमिड आदमी है, बहुत टिमिड आदमी है, इनका असर्ट करने के लिए कोई ताकत ही है नहीं, तो ऐसा आदमी को देख के बंगाल में इलेक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि बंगाल में हर वक्त इलेक्शन में खून निकालता है, फायरिंग होता है, बमबाजी होता है, तो यहाँ पर टफ एंड टफ रोल प्ले करना बहुत जरूरी है, रफ एंड टफ, लेकिन ये लोग तो रफ एंड टफ है नहीं, ऐसा दुर्बल लोग को देख के इलेक्शन चलेगा नहीं। ये बहुत बार ये लोग का साथ, ये लीडर का साथ, ये ऑफिसर का साथ हम लोग बातचीत किया, लेकिन कोई फैसला अभी तो नहीं देख पाया। धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, कांग्रेस की राज्य इकाई के भूतपूर्व अध्यक्ष और सांसद, जो उम्मीद जता रहे थे कि इस बार कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन टीएमसी को सत्ता से बाहर करने में सफल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी के साथ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी। सर स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपका। चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर है और
लगातार एक जो पार्टियां हैं और जो उनके राजनीतिक नेता हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। आप से सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपको पार्टी की जो राज्य इकाई की कमान सौंपी गई वो चुनाव से कोई बहुत पहले नहीं सौंपी गई, साल भर से भी कम का समय आपको, तीन महीना पहले। तो क्या आपको लगता है कि ये 3 महीना बहुत कम समय आपके लिए रहा है इस लिहाज से, क्योंकि यहां पर लड़ाई हमेशा पिछले कुछ बार से देखा गया कि टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस की रही है, बीजेपी को अपनी राजनीतिक जगह बनाने में और थोड़ा सा समय लग सकता है? बंगाल में भाजपा पहली बार चुनाव में जीतने के लिए लड़ रही है, अभी तक केवल सहभागिता ही हमारा उद्देश्य होता था, रिजल्ट क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन हम एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए बंगाल में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके लिए जो जो भी चीजें जरूरत होती है चुनाव में सारी प्रकार तैयारी हमारी है। सबसे बड़ी बात, सांगठनिक दृष्टि से हम थोड़ा पीछे थे यहाँ, पिछले साल भर में जो मिसकॉल से लेकर के जो मेंबरशिप हुई और समिति निर्माण तक, एक साल में हम लोग लगभग जहाँ 25% बूथ में हमारे समिति अभी 75% 80% हो गया है और चुनाव होते होते 90-95% तक हो जाएगा, वो प्रोसेस में है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, हम चुनाव आधारित संगठन आधारित चुनाव करते हैं तो इसका नतीजा भी आएगा चुनाव में, पूरी तैयारी के साथ हम लड़ रहे हैं, सब जगह हमारे लोग हैं, सब बूथ में हमारे पोलिंग एजेंट बैठे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है उनकी तरफ से एक बार बार आरोप लगाया जाता है भाजपा पर कि वो ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, उनकी पार्टी के साथ कुछ अनकहा संगठन, कुछ एक तरीके से समझौता इस चुनाव में जरूर है बीजेपी का, जो है क्या ऐसा है? देखिए, बात बोलने में कोई इसके तथ्य नहीं चाहिए, कोई बोल सकता है और सबसे आसान है, दूसरा उनके पास बोलने के लिए हमारे खिलाफ है नहीं कुछ, तो ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे सारे नेता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिस प्रकार से और आक्रमण कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो इससे इसका कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कांग्रेस और CPM के लोगों ने परख चुके हैं, बंगाल का जो दुर्गति है आज ये इन्हीं का हाथ से हुआ है और पिछले 5 साल में TMC ने इसकी और बुरी हाल कर दी है। तो लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा है कि देश भर में जो विकास का यात्रा चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल को उसमें शामिल करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था तृणमूल कांग्रेस का, उस पर एक मोटी तौर पर नजर डालें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवाई गई हैं उसमें, और अब रैली दर रैली हर दिन जो है आरोप जो लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर, जहां जो कि जिसका नेतृत्व तो आपकी पार्टी कर रही है, कि जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं किए गए हैं वेस्ट बंगाल के लिए, जिस तरह का आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल को, वो नहीं मिला है। देखिए, ये तो CPM वाले भी बोलते थे आज भी, लेकिन वास्तव में इस सरकार बनने का बाद, अभी पिछले महीना माननीय मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया इस सरकार को दिया है, जबकि हम यहाँ सत्ता में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन जरूरत है जो उनकी प्राप्ति है उससे ज्यादा हम दिए हैं। हर सप्ताह कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं, हर अलग अलग विषय पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं, ममता जी से मिलते हैं, बल्कि उनकी आग्रह कम है हमसे मिलजुल काम करने के लिए। एक साल के बाद जाके प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मिला, तब तक सारे चीफ मिनिस्टर मिल चुके थे। अगर उनकी सच में इच्छा होता कि बंगाल का डेवलपमेंट हो तो खुद जाके बात करते, ऐसा नहीं है। उन्होंने मैनिफेस्टो निकाले हुए लगभग एक किताब के बराबर है, लिखने के लिए बहुत कुछ है। हकीकत में आप देखिए, बंगाल में कहीं भी घूम के देखिए, हर क्षेत्र में विफल रहा सरकार। मूल तो पब्लिक क्या चाहती है, एक सुरक्षा चाहती है सरकार, कहीं दूर दूर तक तो नहीं दिखता है। महिलाओं की सुरक्षा में सबसे पीछे है, स्टिंग ऑपरेशन जो सामने आया उससे उनका पूरा पूरा असली चेहरा सामने आ गया। लोग पहले विश्वास करते थे कि ये लोग चोर हैं, शारदा का ये सब का घोटाला हुआ है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन उसको सामने ला करके लोगों का सामने साबित कर। करप्शन आप उसे मानेंगे कि एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, भ्रष्टाचार जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ अभी आप बता रहे थे वो, उसके अलावा भी ये एक मुद्दा 2011 में जब चुनाव हुआ तब भी था, जब ममता बनर्जी एक भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी, तब भी इस मुद्दे के बारे में, इस मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आगे लाया गया था, तो क्या एक बार फिर इस चुनाव में यही मुद्दा है? देखिए, करप्शन की मुद्दा बंगाल में उतना बड़ा करप्शन कभी नहीं हुआ, चाहे सेंट्रल में जो मिनिस्टर रहे या तो स्टेट में, कभी इस प्रकार उनके नाम पर आरोप नहीं आया। लेकिन इस सरकार के समय, बल्कि ये जो चिटफंड की मामला आया है, ये लेफ्टिस्ट के जमाई से ये आया था, लेकिन शुरू किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको पूरा भरपूर मदद किया, उसका फायदा उठाया, इनके सारे मिनिस्टर, इनके नेता उसमें इन्वॉल्व हो गए और उसके कारण लोगों के सामने आया।
लाखों लोग, करीब 30 लाख परिवार इसमें नुकसान उनका हुआ है, तो लोग परेशान हैं, गरीब लोग ज़्यादातर के निचले तबके के लोग हैं, वो नुकसान उनका हुआ है। अभी इसका कोई रिकवरी हुई नहीं, किसी को सजा नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इसके बाद सिंह ऑपरेशन जब दिखाया, इनके लीडर, इनके मंत्री, इनका नेता पैसा ले रहे हैं अलग अलग बातों पर, तो लोगों को लगा कि बिल्कुल ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये बंगाल के समाज के मन में बहुत जबरदस्त चोट लगा है। आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक बड़े जोर शोर से एक मुद्दे का जिक्र किया गया है, वो है जो अवैध घुसपैठ है उसको रोकने के ऊपर जोर है, और जो जैसे कहा जाए कि अवैध घुसपैठिए जो इस वक्त यहां हैं, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्हें सबको बाहर निकाल बाहर किया जाएगा। आपकी जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल सिन्हा जी, उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। तो पहला तो ये कि क्या इस तरह के आंकड़ों से, इस तरह की फिगर से आप सहमत हैं, और दूसरा ये कि क्या ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। 85 से हम घुसपैठ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जितने उस समय लेफ्टिस्ट सरकार थी, इसके बाद भी वो लगातार चलते हुए आ रहा है, इन्होंने बंद नहीं किया है। उसका परिणाम ये हो रहा है देश का, अब देखिए नॉर्थ में, वेस्टर्न इंडिया में घुसपैठ बंद कर दिया है राष्ट्रीय सरकार ने। इसीलिए देश के भीतर का जो दुर्घटना हो रही थी, लोगों का ऊपर आक्रमण हो रही थी, जीवन हानि, वो बंद हो गया है। लेकिन यहाँ से सारे घुसपैठ होकर देश में इस प्रकार लोग जा रहे हैं, जो देश में अस्त व्यस्त कर रहे हैं देश को। सबसे दुर्भाग्य की बात है, वर्धमान का खागड़ागढ़ से लेकर के मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम, मेदिनीपुर, हर जगह बॉम्ब विस्फोट हुआ है, या तो इस प्रकार राष्ट्रघाती और घटनाएं घटी है। इसका कारण, इसके पीछे वही घुसपैठ है। पहले से हम बोल रहे हैं कि ये घुसपैठिया लोग ये सारे कर रहे हैं, उसको बंद करने की चेष्टा नहीं है। इसीलिए सुरक्षा एक सबसे बड़ी मुद्दा हो गया बंगाल में। लोग ये सोच रहे हैं कि ये बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ तक चिंता की बात हो गई है। यहाँ संख्या लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसका परिणाम कि वहाँ से जो घुसपैठ हो रही है, और घुसपैठ ये यहाँ नहीं, बांग्लावासी मुसलमान आपको दिल्ली में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, हर जगह बड़ी बड़ी शहरों में उनकी कॉलोनी बन चुकी है, और जितने इनलीगल, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी वहीं से संचालित होती है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है इस चुनाव में, यानी कि कांग्रेस और वामपंथी दल जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको ममता बनर्जी अनहोली अलायंस करार देती हैं। इसी चुनावी लड़ाई में आप भी एक दौड़ में शामिल हैं, सत्ता की दौड़ में। आपने कहा कि अब की बार, पहली बार बीजेपी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो आपकी क्या राय या प्रतिक्रिया है उस गठबंधन के बारे में, जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है? आपकी बार वास्तव में ये दोनों फेल हो चुके हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। स्वतंत्रता के बाद 77 तक कांग्रेस रही, उसके बाद और 11 तक लेफ्टिस्ट रही। ये दोनों के चलते बंगाल का एक खस्ता हाल है। अब दोनों नाकाम स्टूडेंट, दोनों का मार्क्स जोड़ करके क्लास में फर्स्ट होने के लिए प्रयास के दौड़ में है, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मान के चला जाए कि आप जो कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो राजनीतिक, जिसे कहा जाए कि स्पेस था पश्चिम बंगाल में, आप वो चाहते हैं कि वो बीजेपी उस पर अब काबिज रहे, जो है? बिल्कुल सही है, बीजेपी को छोड़ करके बंगाल में राजनीति नहीं होगी, सरकार नहीं बनेगी, और चर्चा करना है तो बीजेपी के ऊपर ही चर्चा करना है, क्यों? बीजेपी भी वेटिंग में है। 10 दिन पहले भी भाजपा कहीं यहाँ पिक्चर में नहीं था, आज बिना भाजपा को ना कोई मीडिया चल सकता है, ना लोग कोई सोच रहे, ना कोई प्रचार हो सकता है। धीरे धीरे हमारा स्पेस बढ़ रहा है, उनका स्पेस छोटा हो रहा है। जो एकदम आगे बढ़ रहे थे 10 दिन में, हम देखिए बहुत पीछे थे, हम एकदम आगे आगे, वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और जितना चुनाव आगे बढ़ेगा, हमारे स्पेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी लोग पीछे हटते रहेंगे। इस बार की विशेषता चुनाव की यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, जो उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी को इस बार काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि ये आखिरकार पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को तय करना है कि वो किसे चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी, हम इसी तरह चुनावी पेशकश, खास मुलाकात आपके सामने लाते रहे।